टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट। आज हमारे पास लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मैं लेता हूं कंटेनर, इस कंटेनर में हमारे पास है लिक्विड। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर इन कंटिन्यूस रेंडम मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, गैसेस में ज्यादा होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कम होता है, लेकिन सॉलिड में ना होने के बराबर है। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये रेंडम मोशन करता है, रिजल्ट में दे कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। नाउ जब हम इसको कूल करते हैं तो कूलिंग के नतीजे में क्या होता है, इसकी जो मोशन है लिक्विड्स मॉलिक्यूल की जो मोशन है या जिसको हम कहते हैं कोलिजन, तो वो डिक्रीज हो जाती है। लिक्विड्स मॉलिक्यूल की मोशन या कोलिजन एक दूसरे के साथ ये डिक्रीज हो जाती है एंड रिजल्ट में इसका जो वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो एज ए होल कूलिंग के नतीजे में मोशन ऑफ मॉलिक्यूल या कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वन अदर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और रिजल्ट में हमारे पास लिक्विड की लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो जाती है। द काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। सो एक स्टेज आता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दिस इज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट।